मौर्य को सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। डुमरियागंज से भीष्म शंकर कुशल तिवारी प्रत्याशी गए हैं और संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने फिर से की लिस्ट जारी की है। मछली शहर से प्रिया सरोज प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए समाजवादी पार्टी और प्रत्याशी कर दिया। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। श्रावस्ती की बात की जाए तो राम शिरो वर्मा प्रत्याशी बनाए हैं और डुमरिया भीष्म शंकर कुशल तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और संत कबीर नगर की बात की जाए तो लक्ष्मीकांत बनाए गए हैं प्रत्याशी और सलेमपुर से रमाशंकर राजभर सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जौनपुर की बात की जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बता दें कि सपा ने 7 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें से फूलपुर से अमरनाथ मौर्य सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। देवभूमि में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। पौड़ी गढ़वाल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा किया। खटीमा में सीएम धामी ने निकाला रोड शो। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रोड शो किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। वहीं स्मृति ईरानी का उत्तराखंड दौरा आज। मसूरी नौगांव में करेंगे जनसभा।